माय गॉड, हेलो एवरीवन, आज चांद मुसलमानों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं चांद रात के बारे में शुरू। माय गॉड, व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता होगा कि कल मतलब वो ईद है, तो आज चांद रात है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज का व्लॉग बनाऊं अपने इलाके के बारे में, सराय नवरंग के बारे में, जो हमारा इलाका है। मतलब देसी लोग होते हैं, लेकिन चलो मजा आएगा। ये मेरे दोस्त है, दोस्त नहीं बुलाकर तो मैं भाई मोबाइल इसको पकड़ाया है। ओके, लेकिन मैं उसका उस्ताद। बाय। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा, हम मतलब देसी इलाके में पैदे हुए ना, हमारी सोच अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अलग है। हम प्राउड करते हैं इस चीज पे, लेकिन क्या करें यार, लोगों के साथ रहना पड़ता है। ये फैमिलीज वाले इस तरह होते, देसी होते हैं। लेकिन चलो आज आपको अपना इलाका दिखाता हूँ, लेट्स सी। यहाँ पे लोंडीबाजी होती है, मतलब लड़की वाला कोई चक्कर नहीं है, कोई सीन नहीं है। तो ये देख मेरे साथ वो आगे जो चंची में बच्चा है ना, बड़े कमाल का है। चुप कर, अब उसके पास उसको लेने को, हम गरीब लोग हैं तो दुकान खुले में बॉय दर वेट कर मेरे पापा के लिए, क्योंकि वो दुकानदार है। उसने कहा बेटा तू ना आई। मैंने कहा नहीं, मैं आऊंगा आपको लेने, ठीक है। इतनी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा पाता भी। ये हमारा फेक दुकान, कहाँ से आते हैं। तो अभी जो है ना, मैं आ गया हूँ इधर, वो कज़न है मतलब अंकल का दुकान खुला है उधर। एक तो ये लोग चांद रात पे भी पैसे कमाने के लिए बैठ जाते हैं, तभी उसको लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। जैसे लोगों का चांद रात इतना ही होता है। अभी वापस आके घर, और अभी बाज़ार जा नहीं सकते दोबारा, तो सबको चांद रात मुबारक। सॉरी, तो ये देख सकते हो जो पूरा रमज़ान मैंने गाँव में यहाँ पर गुजारा। पीछे वॉलीबॉल लोग खेल रहे हैं, और रात को हम इधर होते थे, तो आप सेम टू सेम फीलिंग भाई, चांद रात भी इधर। और बस बैठा हूँ, अभी 12 बज रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कब ये लोग जाएंगे, तो चले जाएंगे घर। तो कल जो है ना इंशाल्लाह ईद होगा, और ईद का व्लॉग जो है ना मैं अच्छे से अच्छा बनाऊंगा, और कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा बनाऊँगा। तो अल्लाह आपको खुश रखे।